आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट मैचेस जो आपने खेले वेस्ट इंडीज के साथ जो सीरीज, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा हुआ, वहाँ पे एक इनिंग्स यादगार है, आई थिंक मोस्ट फेमस फॉर आपकी। हाँ वो मैच था पर्थ में अमेरिकास कप का, तो वो भी 1987 की बात है, मोर देन 33 years, यार टाइम कैसे पार होता है। खैर एनी वे, हाँ तो वो हम चेस कर रहे थे 273, ठीक है, तो 129/6 मैं एज ए बैट्समैन खेला था, मेरा नंबर था 8वां, ठीक है, तो क्वाइट वेट था, लेकिन अल्लाह ताला ने जब इज्जत देनी हो तो जो 8वें नंबर पे जाओ या 12वें नंबर पे जाओ, इवन 12th मैन को भी इज्जत मिल जाती है, ठीक है, कोई अच्छा कैच पकड़ लेता, तो वो 8वें नंबर 129/6 थे। तो मेरी पार्टनरशिप मंजूर लाई के साथ हुई, सलीम यूसुफ के साथ हुई, वसीम अकरम के साथ हुई, फिर आखिर में सलीम जाफर थे, तो है ना। लेकिन उसमें क्या हुआ कि ये चीज थी कि मेरा लगा तीसरा या चौथा वनडे था, लेकिन उसमें क्या था, ये एक चीज मैंने बिल्ड हुई थी कि भाई एक मैच है, कोई बात नहीं, हम तो क्या कहते हैं, मैच तो वैसे ही हमारा हाथ से निकल ही रहा है ना, हमें एफर्ट, मुझे एफर्ट पूरी करनी चाहिए। तो जब तक मैं मंजूर लाल सलीम से बात खेलता है, वो रन बनाते रहे, मैं उनको सपोर्ट करता रहा सिंगल डबल करके। जब वसीम अकरम मेरे साथ है, फिर मैंने चार्ज लेना शुरू किया, क्योंकि उसके बाद सिर्फ सलीम जाफर ही रह गया था, ठीक है, तो वो फिर मैंने चार्ज किया, तो अल्लाह ने कामयाबी अदा फरमाई और वो मैच बड़ी, मतलब कोई नो वे नियर से मैच जीत गया। और इसकी सबसे बड़ी बात थी कि रॉडनी मार्श मैच मैन ऑफ द मैच के एजुकेटर थे, तो उन्होंने डीन जोन्स को भी, जो उन्होंने सेंचुरी की थी हमारे खिलाफ, उनको पहले ही मैन ऑफ द मैच अनाउंस करके जा चुके थे ग्राउंड से, वो पाकिस्तान द मैच जीत नहीं रहा, तो अगर वो वहां होते तो वो मैन ऑफ द उस मैच का असल में डेफिनेटली वो मुझे करार दिया जाता, लेकिन वो अनाउंस कर चुके थे। तो ये ऐसी शुरुआत थी कि मतलब जिसका मैन ऑफ द मैच पहले अनाउंस किया जा ये चुका था कि भाई अमेजिंग है ना पाकिस्तान कि मैन ऑफ द मैच, अभी मैच खत्म ही नहीं हुआ और मैच वो खत्म नहीं, अनाउंस उन्होंने पहले कर अनाउंस करके वो ग्राउंड से ही जा चुके थे भाई, अनाउंस कर दिया था उन्होंने, कोई चांस नहीं था कि 129/6 और 273 चेस करो, 250 रन बना लेना उस वक्त, तो वनडे में आया था कि आप मैच जीत गए हो, ठीक है, हाँ टू सही। फिफ्टी रन बनाना, मैच जीत गए आप, ठीक है। तो मैं उसकी मतलब अभी इवन इवन मैं उसकी बात 93 की बात कर रहा हूँ आपको, मैं एकदम अचानक उसके में याद आ जाए, भूल ना जाऊं कि हमने जब शारजा में 280+ रन बनाए थे वेस्ट इंडीज के, इसमें आपको याद हो बासित ने बड़ी अच्छी इनिंग की थी, सेंचुरी की थी, तो मैंने कहा 287, मैंने कहा यार हमारे पास वसीम अकाल से बॉलर मौजूद है, मैंने कहा ये हमें कितना मारेंगे ये 287 करेंगे, लेकिन आपने सबने देखे जब ब्रायन लेन ने हमारी कुटाई की थी, तो हमें बदले के बॉल है, हम उठा उठा के दख्तों के वास्ते ला रहे थे। खैर एनीवे मैं बता रहा हूँ कि क्रिकेट का कुछ पता नहीं होता कहाँ से कहाँ चीज पहुंच जाती है, तो यू नेवर, अभी आपके सामने ऑल ओवर द क्रिकेट आप देख रहे हो कहाँ से कहाँ क्रिकेट पहुंची, कौन कौन से मैचेस ऐसे हैं जो आप सोच नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता वो हुए, तो बड़ा जबरदस्त ये मेमोरीज रही हैं और हमेशा रहेंगी। वो आप बात कर रहे थे ना कि उस जमाने में फोन्स वगैरह नहीं होते थे तो मैचेस भी बड़े कम मिलते थे, आजकल तो हर टीवी पे कहीं भी देख सकते हैं ना जहाँ भी मैच हो रहा है। तो उस मैच का ये था कि हमें हाइलाइट्स मिल जाती थी कोई एक महीने बाद वैसे वैसे। तो रिची बेनो बड़ी तारीफ़ें कर रहा था आपकी, कि वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट हैंडर फ्रॉम पाकिस्तान कम आउट, वो जो 60 किया था आपने, तो बड़ा टैलेंटेड था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आसिम इजबा कुछ अर्से के लिए टीम नहीं के कुछ साथ अरसे ही नहीं, था, पांच गायब हो गया। नहीं, 5 साल तक मैं नहीं खेला। अब लेकिन इंडिया उसकी इंडिया नहीं, के टूर पे क्या हुआ था वो कुछ? मैं तो इंडिया के टूर पे जब मैं गया था तो हुआ ये था कि वो ऑस्ट्रेलिया के टूर के फौरन बाद इंडिया का टूर था, ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस करके जिस मैच की आप बात कर रहे हैं मैं कर चुका था, तो फर्स्ट मैच मैं वो नहीं भूल सकता, फर्स्ट मैच हमारा इंडोर में था वनडे, तो आई वॉज प्रीटी श्योर कि मैं टीम में हूँ, जब मेरी टीम है मेरी टीम में नाम ही नहीं 11 में, चलो ठीक है कोई बात नहीं भाई, नहीं है कोई बात नहीं, तो उससे हमें नहीं होता कि हमने क्यों ठीक है हो गया नहीं रखा मैच में। फिर उसी टूर से हमें फिर उन्होंने मैच ही नहीं खिलाए, उन्होंने फिर जो है क्या कहते हैं मुझे और जुल्करनैन था हमारे साथ और जाकिर खान, हमें उन्हें वहां से टूर से वापस भेजा थोड़े तीन तीन टेस्ट मैच के बाद से, तो हमें हमारी एक टीम जा रही थी जिम्बाब्वे ए टीम, तो उसका मुझे वाइस कैप्टन बना के वहां भेज दिया, ठीक है हम चले गए। लेकिन वो टाइम था जब मैं परफॉर्म करके ऑस्ट्रेलिया था, मुझे वो टाइम पर परफॉर्मेंस मतलब कंटिन्यू परफॉर्मेंस पे चांस नहीं दिया गया, वल्ला आलम ठीक है जैसा भी है, लेकिन हो सकता है मेरे लिए अच्छा बुरा, लेकिन जैसा जो कंटिन्यूटी थी वो नहीं मिली मुझे ना परफॉर्मेंस करने के बाद, ठीक है कि चलो मतलब एक परफॉर्मेंस किया आप उसको कंटिन्यू करें एक यंग प्लेयर के साथ तो होना चाहिए था ना, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। फिर वो इंग्लैंड उसके बाद, हालांकि मैं टीम मेरा फिर उसके बाद इंग्लैंड हम टूर पे गए 1977 में, ठीक है, तो वो भी हमने सीरीज जीती, उस मैच में भी मैं सिर्फ फील्डिंग करता था, ठीक है, एटी सेवन की और बात कर रहे हैं ना, 87 87 की में जब बात है। आए, क्योंकि हम तो उस वक्त फैंस, ऐसे फैंस देख रहे थे मैचेस वगैरह, तो बड़ी खुश होती कि
इंग्लैंड यू नो देर वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स, अभी भी अच्छी टीम है इनकी फील्डिंग, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की। पाकिस्तान की जो मैचेस हम देखते थे एज फैंस, मैं आपकी नहीं बात कर रहा हूँ कि जब 70s में यहाँ टीम आती थी या 80s में आती थी, एक हमारी कमज़ोरी होती थी फील्डिंग टॉप लाइन। तो वन डेज मैचेस में दो जगह पे यू टुक टू कैचेस, एक मेरा इयान बोथम का था, एक लैम का था वन डेज में, वन डेज में जी बेस्ट। और उस पर आपकी मशहूरी ये हुई थी क्योंकि वह सब यही कह रहे थे कि यार दिस गाय इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फील्डर, ये टीम में क्यों नहीं आ रहा। मैं वही बता रहा हूँ कि आप वजह ये है सकता है कप्तान थे इमरान खान, ठीक है ना, अब हो सकता है उनको पसंद नहीं आया हो किसी वजह से, उनकी लाइकिंग में नहीं है, वो नहीं समझते कि मैं इस काबिल हूँ कि वो मैं उनके साथ खेल सके, मुझे वो कंटिन्यू मैच खा सके, ये उनकी जजमेंट थी, ठीक है, हर एक अपनी जजमेंट होती है। अभी कल भी मेरी एक बात हुई, मैंने उनकी जजमेंट थी, वो मुझे नहीं खिलाया, और पांच साल तक जब तक वो मैं नहीं खेला जब तक वो कप्तान रहे, ठीक है ना, उसके बाद से जैसे ही वो वर्ल्ड कप के बाद जीतने के बाद कप्तान उन्होंने छोड़ी और जाज भाई कप्तान बने जाज मेरा, तो आप देखें आपके सामने मैं वापस टीम में वापस आया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता कि जावेद भाई इज लाइक ऑलवेज चाहते थे कि मैं कंटिन्यू करूं, लेकिन इमरान खान की जो है उनकी अपनी सोच थी, और ये हर एक की अपनी सोच होती है, इसमें कोई कोई पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइक हो सकता हो, लेकिन ये कोई जानबूझ के या उनकी अपनी मर्जी थी, तो मैं इसको वो नहीं कहता कि मेरे साथ उन्होंने कोई ऐसा काम किया, लेकिन ये बात सही है कि पाँच साल जब तक वो कप्तान रहे उस पाँच साल में डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस करता, लेकिन पाँच साल मुझे जैसे अभी बात कर रहे हैं ना फवाद आलम की 10 साल, उसकी तो बड़ी बात है कि 10-11 साल के बाद खेला है, मैं 5 साल था कि 5 साल के बाद मैंने कमबैक किया था पाकिस्तान टीम में, तो ये चीज ऐसी थी, तो इस तरह वो कंटिन्यूटी नहीं मिली। खैर इसमें ये जो चीज़ें हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं और हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, हम किसी को इसको ब्लेम या कोई नहीं करना चाहिए, हो सकता है हमारे लिए चीज़ सही थी या नहीं थी, ये हमारा ईमान होना चाहिए इस बात पर।